हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसे टेस्टी पिज्जा की रेसिपी जिसमें हम बिल्कुल भी कोई भी वेजिटेबल यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें हम वाइट सॉस का यूज़ करेंगे। तो आज हम वाइट सॉस पिज्जा की रेसिपी लेकर आए हैं। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो पिज्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम पिज्ज़ा का बेस बनाएंगे। तो उसके लिए एक बाउल में मैंने डाला है 1 कप मैदा, और इसी में डालूंगा मैं 1 कप गेहूं का आटा। तो आप चाहें तो यहाँ पे मैदा ही यूज़ कर सकते हैं या फिर गेहूं का आटा ही यूज़ कर सकते हैं। इसमें डाला है मैंने 1 टीस्पून ईस्ट, और अब इसमें डाला है मैंने 1 टीस्पून शुगर और 1/2 टीस्पून नमक। तो इन सभी को मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर दूंगा। तो इनको मिक्स करने के बाद इसमें मैं हल्का गर्म पानी का यूज़ करते हुए इसका एकदम सॉफ्ट आटा गूंथ कर तैयार कर लूँगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका मैंने एकदम सॉफ्ट आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है। अब इस आटे को मैं सरफेस पर उतार लूँगा और इसमें डाल दूंगा लगभग 1 टेबल स्पून के करीबन रिफाइंड ऑयल। और ऑयल डालने के बाद इसको मैं लगभग अच्छी तरह इसी तरह मसल मसल के चिकना करते हुए गूंथ लूँगा लगभग 6 से 7 मिनट के लिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आटे को मैंने अच्छे से गूंथ लिया है। आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट हो चुका है, हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो इस तरह का हमें सॉफ्ट आटा गूंथना है। तो अब इसको मैं वापस बाउल में रख दूंगा। बाउल को मैंने ग्रीस कर लिया है रिफाइंड ऑयल से, और इसको अब हम कवर कर देंगे और लगभग आधा घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। तो अब हम बना लेंगे वाइट सॉस। तो वाइट सॉस बनाने के लिए गैस पर रख दिया मैंने एक पैन। इस पैन में डालूंगा मैं लगभग 1 टीस्पून के करीबन रिफाइंड ऑयल, और इसमें डाल दूंगा मैं 1 टीस्पून मैदा। और मैदा डालने के बाद इसको हम लगभग 30-40 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पर इसी तरह हल्का सा कुक कर लेंगे। इसका जो कलर है उसे हमें चेंज नहीं होने देना है। तो जब भी हल्का सा कुक हो जाए तो इसके अंदर डाल दूंगा मैं 1/2 कप दूध। तो दूध डालने के बाद इसको मैं लगातार चलाते हुए मिक्स कर लूँगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी एकदम क्रीमी हो जाएगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह बदल चुकी है। तो अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं 1/4 टीस्पून काली मिर्च पीसी हुई और 1/4 टीस्पून नमक। तो दोनों को डालकर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो हमारी सॉस यानी वाइट सॉस जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो लगभग आधा घंटा हो चुका है, हमारा जो आटा है वो भी हल्का सा फूल कर तैयार हो चुका है, यानी वो पिज्ज़ा बनाने के लिए रेडी है। तो इस आटे को मैं एक बार सरफेस पर उतार लूँगा, और इसको मैं हल्का सा गूंथ लूँगा लगभग 4-5 सेकंड के लिए। तो इस तरह आप देख सकते हैं किस तरह कर रहा हूँ, तो इसी तरह आपको करना है। और इस आटे को मैं डिवाइड कर लूँगा 2 भाग में, क्योंकि हम 2 पिज्ज़ा बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह मैं इसकी लोइयां बना लूँगा। तो पिज्जा की यानी भी आटे की मैंने लोइयां बना लिया है। तो इसको हम सरफेस पर रख देंगे, इस पर डालेंगे थोड़ा सा मैदा ताकि बेलने में आसानी हो। तो मैदा डालने के बाद इसको हम एकदम बड़ा सा इसको बेल लेंगे, और एकदम रोटी जैसा बेल लेंगे इसको एकदम पतला सा। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने एकदम पतला सा रोटी जैसा बेल लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है, ये बेकिंग ट्रे नहीं है, जो केक का नीचे का बेस आता है वही है। तो इस पर मैंने रख दिया पिज्जा का डो। तो आप देख सकते हैं इसी तरह। तो आप चाहें तो यहाँ पे कोई प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो हमने वाइट सॉस बनाई थी, वाइट सॉस मैं इसके ऊपर डाल दूंगा, और इस वाइट सॉस को मैं अच्छे से फैला दूंगा। तो वाइट सॉस को मैं इसके ऊपर फैला दिया है। अब इसके किनारों को मैं इस तरह उठाकर इस तरह यहाँ पे इसको चिपका दूंगा आगे की तरफ, आप देख सकते हैं इसी तरह। तो अब इसको मैं उंगलियों से हल्का सा प्रेस कर दूंगा इस तरह। तो दोस्तों, अब यहाँ पे पिज्जा के लिए मैं पिज्जा चीज यूज कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी चॉप किया हुआ है। तो इस पिज्जा चीज को मैं इसके ऊपर डाल दूंगा, इसके बीच बीच में आप देख सकते हैं इसी तरह डालना है आप। तो पिज्जा चीज मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, वो हमारा बेस रेडी हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं दूसरा पिज्जा बेस बनाकर तैयार कर लेता हूँ। तो इसको भी मैं एकदम बड़ा सा उसी तरह बेल लूंगा। तो इसको भी मैं एकदम बड़ा सा बेल लिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी प्लेट लिया है, तो इस प्लेट के ऊपर मैं इस डो को यानी इस चपाती को डाल दूंगा।
और यहाँ पे आज मैं यूज़ कर रहा हूँ पिज्जा सॉस, तो इसे सेजवान सॉस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं दो पिज्जा बना रहा हूँ। तो जब भी आप अगर वाइट सॉस पिज्जा अगर आपको अच्छा लगे तो आप थोड़ी सॉस है वो ज़्यादा बना लें वाइट सॉस। तो यहाँ पे मैं दो पिज्जा बना के तैयार कर रहा हूँ। एक पे मैं रेड सॉस लगा रहा हूँ यानी कि सेजवान सॉस। तो इसके ऊपर में मैंने सॉस लगा दिया है, पिज्जा सॉस लगा दिया है। तो इसके किनार के ऊपर भी मैं इसी तरह उठाकर आगे चिपका दूंगा। तो इसको भी मैं उंगलियों से अच्छे से प्रेस कर दूंगा। और इसके ऊपर भी डाल दूंगा मैं पिज्ज़ा चीज़। और इस पिज्ज़ा को मैं पिज़्ज़ा ट्रे पे रख दूंगा यानी बेकिंग ट्रे पे। तो यहाँ पे मैंने कप में थोड़ा सा मिल्क ले लिया है और इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी है और इसको मिक्स कर लिया है। तो इस पर इसके किनारों पर मैं इस मिल्क को लगा दूंगा। इससे क्या होगा, जब भी हमारा पिज्ज़ा बेक होगा उस पर बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। तो दोस्तों इस पिज्ज़ा को तो हम ओवन में बेक करेंगे, और जो हमारा पहले वाला पिज्ज़ा है जो हमने बनाकर तैयार किया था उसको हम कढ़ाई में बेक करेंगे। तो अगर आपके पास ओवन ना हो तो आप कढ़ाई में भी बहुत ही आसानी से पिज्ज़ा बेक करके तैयार कर सकते हैं। तो कढ़ाई में पिज्ज़ा बेक करने के लिए कढ़ाई में मैंने कटोरी रख दी है, आप कोई स्टैंड भी रख सकते हैं। तो इसको मैंने कवर कर दिया, 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्री हीट कर लेंगे। तो कढ़ाई हमारी प्री हीट हो चुकी है। तो अब इसके अंदर रख देंगे हम हमारी पिज्ज़ा की ट्रे, और इसको हम कवर कर देंगे। और लगभग मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे बेक करेंगे लगभग 20 से 25 मिनट के लिए। तो इसको हम बेक होने देते हैं। तो कढ़ाई में हमारा पिज्ज़ा है वो बेक होकर तैयार हो गया है लगभग 25 से 27 मिनट में। तो इस पिज्ज़ा को हम बाहर निकाल लेंगे। तो पिज्ज़ा को मैंने बाहर निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। और इसको हम लगभग 5 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे और उसके बाद प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अब मैं आपको पिज्ज़ा को कट करके दिखाता हूँ कि कितना क्रीमी और चीज़ी हमारा पिज्ज़ा बन के तैयार हुआ है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं बहुत ही क्रीमी और एकदम चीज़ी हमारा पिज़्ज़ा है। तो दोस्तों आपको ये पिज़्ज़ा की रेसिपी कैसी लगी? तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी।